बोतल में देखो कितनी तकड़ी ग्रिप लगा ली। ओ भाई साहब बिल्कुल रास्ता जाम कर दिया भैरों का, बिल्कुल पड़ने को रहा। ओए मेरी उंगली पकड़ ली। आजा बाहर आजा। यो नहीं भाई बाहर आ रहा। ओए सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रितिक डॉग चैनल। और गाइस आज के व्लॉग की स्टार्टिंग देखो कहां से कर रहा, कोको के पप्पीज के साथ कर रहा। ये घूम रहे भाई सारे सारे, इसके पप्पीज कल वाले व्लॉग में देख लिया होगा। अब भाई थोड़ी बहुत देर में इनके फादर से मिलवाता हूं, इनका फादर बैरो है, फिर घूम फिर का सीधा घर पर चलूंगा। वो एक दांत फंसा लिए और गाइस ग्रिप लगा रहे इसी के अंदर। थोड़ी देर में इन पप्पीज के एक भाई से मिलवाऊंगा, वो बैरो के पास ही है, बट भाई वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। वैसे तो भाई इनके जैसा ही है, बट भाई एग्रेशन देखना उसका। बोतल में देखो कितनी तकड़ी ग्रिप लगा ली। ये वाला पप्पी किसी को नहीं दे रहा अपनी वाली बोतल, सारे के सारे कोशिश कर रहे। वो वाला पप्पी लेकर भाग गया, काफी देर से इस बोतल के ऊपर गुट बज रहे इनके। हाँ भाई तेरे पास लेगा भाग गया वो। चीटिंग बोतल को लेकर तो बिल्कुल एग्रेसिव हो रहा, जो भी पप्पी इसके पास जाना उसी के ऊपर एग्रेशन करे। आजा भाई तू आजा, तू थोड़ी सी आराम है, देखते हैं भाई इसका रिएक्शन। ओए ओ भाई, तो गाइस अभी भैरों के पास आए थे, बट भाई भैरों को तो रास्ता रोक दिया खतरनाक डॉग ने। ओए डर गया किस तरह, देखना भाई पमेलियन वाले ने कैसा रास्ता रोक लिया इसका। ओ भाई साहब बिल्कुल आगे अड़ गया। आजा आजा ओए आजा, कुछ नहीं कहने का। और गाइस ये ओपमेलियन की पावर, सबको डरना पड़े इनसे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। ओ भाई साहब बिल्कुल रास्ता जाम कर दिया भैरों का, भैरों बेइज्जती करवा रहा बेटे, गजब बेइज्जती है। डरता डरता रहा बेचारा। ओ भाई साहब नाली में अड़ा दिया बिल्कुल। आजा आजा क्यों डरा भाई तू इतना, कह रहा है सामने से देसी डॉग भौंके जा रहा। बट भाई किसी के ऊपर भी एग्रेशन नहीं करता, अगर कोको होती मैं नहीं छोड़ देती इसे, सीधी गर्दन में ग्रिप लगाती खत्म। और गाइस इसके अंदर करंट देखो कितना ज्यादा है। ओ भाई ओए ओ भाई साहब बिल्कुल पड़ने को रहा। ओए मेरी उंगली पकड़ ली। अरे सुन सुन सुन, अरे कहा गया मार रे साले का खोपड़ी तोड़। भाई एक काम करो ले जाओ इसे, गुड बाय। और गाइस मजाक में तीन चार दांत फेल दिए साला, ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो गाइस अब अपने दोस्तों के पास चलता हूं, जिसके पास डॉग है सभी डॉग्स दिखाऊंगा आज आप लोगों को। एक दोस्त मिल गया रहा भाई रोटविलर। तो गाइस आ गया कैनल पे, और गाइस ये रोटविलर की फीमेल देखना भाई, हस्की वाले को कैसे देख रहा मुझे। और गाइस ओडाइस में है देखना भाई क्वालिटी वगैरह। नाम क्या है भाई इसका? नवाब। इसकी के अंदर मुझे थोड़ी सी दिक्कत लगे, ये भाई खुला छोड़ने पे कहीं भी भाग जाए इधर उधर, मतलब वापिस नहीं आते बुलाने से, बहुत कम आवे। तो गाइस हस्के के पास तो आगे वापिस, क्योंकि भाई मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, उसकी आंखों से डर लग रहा था। और गाइस अब एक बार प्लेट बनवाता हूँ डॉग कैनल की। तो फाइनली अपनी नंबर प्लेट बनकर रेडी, नंबर प्लेट नहीं मतलब कौन सी प्लेट है भाई, तू समझा। तो गाइस अभी फाइनली घूम फिर अपने इलाके में आ गया। अब भाई थोड़ी देर में घर पर चलूंगा, यहाँ पे भाई गौरव मिल गया था, गौरव के साथ जाऊंगा। ये अपनी बाइक की मरम्मत से करवा लें, फिर भाई इसी पे चलेंगे। और गाइस पप्पी की वजह से गया था बस मैं, वरना बाइक पर जाता आराम से। कल भाई वो जर्मन से बड़ा वाला पप्पी लेकर गया था ना मैं, बस मैं लेकर गया था। तो गाइस मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे भाई गौरव के पास कॉल लगा करो, स्पेशली मेरा नंबर लेने को, क्योंकि भाई बहुत भी कॉल आ रहा है इसके पास। अब मैं बहुत सारी कॉल आ गई मेरे से बात करवाने को, जो भाई परेशान हो रहे हैं। तो गाइस आगे फाइनली घर पे, थैंक यू सो मच ब्रो। और गाइस एक दिन में काम देखो कितना ज्यादा कंप्लीट हो गया। हाँ सिम्बा मान जा, ये जब से मेरा पंजे ही मार रहा। और एक से देखो हमारी कोको रानी को, या मेरा बैग सूंघ रही नु कह रही मेरे नाम की चीज लगा के। गौरव को मैं अपने कैनल का सेटअप समझा रहा था, क्योंकि भाई अब थोड़ा सा कैनल बड़ा कर दिया ना, पहले भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक बनाने का प्लान था, बट भाई अब ये पूरा का पूरा इलाका अपना ही हो गया, मतलब अपना नहीं मेरे डॉग्स का, एक ही बात है। और गाइस शाम होगी कल को अच्छे से दिखाऊंगा। ओए कहाँ लेके जा लिया मेरे पिल्ले को, ओए कहाँ लेके जा से। ओ भाई रहने दे, इसके बिना ना हमारा जी लगे। बैठ जागा आऊं तो बैठ जागा, सारे के सारे आगे कोको देखे लेके जान लग रहा है। बुड़का भर ले इसका बुड़का। अरे पैंट कहाँ पट्टी भाई तेरी, देखे पैंट कहाँ पट गया, कौन है बाहर ये गली में, एक कबूतर ले रहे थे छोड़िए ना उड़ जाएगा। और गाइस एक इसका साथी है, वो उड़ का भाग गया गया। अब भाई अपने डॉग्स को अंदर करना पड़ेगा, जब जाके भाई इसका साथी पकड़ा जाएगा। वैसे तो भाई कुछ नहीं कहने के, बट भाई फिर भी क्या पता भाग जाओ उड़ के। तो गाइस अभी कबूतर पकड़ने की छतरी भी आ गई, अब भाई इसके साथी को पकड़ रहे, जो एक इसकी साथ का है वो भाग गया घर से। क्यों भाग गया, वो लड़ाई होगी थी। अच्छा बट भाई वो वाला तो लंबा उड़ का भाग गया, वो जा लिया भाई देखो कितनी दूर जा लिया, देखते हैं आता है क्या। वैसे तो मुझे लगता नहीं अब आओगा, क्योंकि भाई दूर जा लिया, देखो भाई कितनी दूर जा लिया। गुड बाय रेड किंग, मुझे देखकर चिल्लाया जा रहा, बट भाई अभी खोल नहीं सकता, ये कबूतर पकड़ रहे। एक बार भाई ने का कबूतर आता जा, फिर भाई रेड किंग को खुला छोड़ दूंगा। तो गाइस बहुत कोशिश कर ली, बट भाई ने का कबूतर आते नहीं आया, अब भाई वापिस ही उतार लिया इसे। अच्छा इसका दोस्त है क्या, इसे देखा जाता है वापिस, फिर आया क्यों नहीं, दोस्ती में तकरार आ गई। तो गाइस अभी अपना चिंटू डॉन भी आ गया घूम फिर गए। और गाइस हमेशा की तरह पैर देखो इसके, बिल्कुल काले जूते पहन रखे। हां आवे मेरा ना करे, मेरे भी कर दे गंदे। अबे साले चिंटू का हमेशा का काम है बाहर काले जूते पहन का, फिर भाई मेरे ऊपर पैर लगा दे। हां तू क्या कहना चाह रहा। और गाइस सबसे ज्यादा टेंशन मुझे कोको की हो रही थी, कहीं कोको पप्पीस ना दे दे मेरे से पीछे, बट भाई कोको ने पप्पीस नहीं दिए। अब भाई मैं यहीं पे रहूंगा इसी के पास, क्योंकि बेचारी फर्स्ट टाइम पप्पीस देगी, इसलिए भाई थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसका। तो गाइस ये घूम रहा अपना रेड किंग चीता, और गाइस मुझे देखकर बिल्कुल एक्साइटेड हो गया, एक बार इस साइड को जब है एक बार भाई फिर मेरे पास आ जा। सब इसे एक दिन के बाद मिल रहा ना, इसलिए भाई सारे के सारे मुझे देखकर ज्यादा एक्साइटेड हो रहे। रहा नहीं जाता, जूली से मिलना तो रहेगा, जूली भाई नीचे से भूखे जा रही है, अब भाई नीचे चलकर जूली से मिलता हूं, क्योंकि भाई काफी सारे डॉग्स हो गए, सभी से मिलना पड़ेगा। रेड किंग यहां पर छोटे पैकेट के साथ खेल कूद लगा, देखना भाई छोटा पैकेट कैसे बुड़के भर रहा है इसका।
बाग बाग है। अरे अरे डर भी जावे यार, बुढ़ के भर रहा सारे काम कर रहा। गेट खोलते देखना सारे के सारे गेट में बैठे, बट भाई ऊपर नहीं बुला सकता इन्हें क्योंकि भाई रेड किंग खुला है, समझ रहे हो। अब भाई चल अपनी जूली से मिलता हूँ, आजा भाई रोको, जूली से मिलने चलेंगे। आजा जूली भाई, थोड़ा उस साइड है ना, वो बैठी हमारी सामने जूली। जूली क्यों बोकरी, इसे भाई थोड़ा बहुत घुमा फिरा कर लाता हूँ। चलो भाई जूली घूमने फिरा चलेंगे। और भाई छोटा पैकेट बिल्कुल यहीं पे खड़ा था, किसी दिन को लपका जाएगी तो खत्म। बिल्कुल रात ही होगी क्योंकि भाई दिल्ली से आने में थोड़ा लेट हो गया था। तो भाई सब रेड किंग को लेकर खेत में चलते हैं, खेत में लाता हूँ घुमा के। और भाई थोड़ी बहुत देर इसकी रनिंग करवा लेंगे क्योंकि भाई कल भी नहीं हुई थी इसकी बेचारे की, बार बार एक की तरफ को देख रहा। रेड किंग क्या पा गया, मैं चिंटू है के साले को बम से उड़ा दूंगा। देखना भाई सारा का सारा ध्यान एक के अंदर है। रेड किंग क्या है इसके अंदर, आजा बाहर आजा। यो नहीं भाई बाहर आ रहा, ओए पूरे जोर लगा रहा, आजा बाहर आजा। ये तो भाई पूरे झटके मार रहा है इसके अंदर को, आजा आजा डराया ना कर तू मजे से। यो भाई रात के टाइम में करे ऐसी ऐसी हरकत, आजा गगवा जा। नहीं कभी कभी तो रेड किंग बिल्कुल ही डरा दे, मतलब ऐसी ऐसी हरकत करने लगा है ना, थोड़े दिन पहले देख लिया होगा कैसा कर रहा था। तो गाइस अभी सीन बन गया, मैं भगत के साथ वैसे ही लड़ रहा था, झुट्टू मुट्टू सी, बट भाई बुड़का भर लिया। देखा ये रखा भरा, इसका भाई पिछवाड़ा पकड़ लिया। वो तो भाई सो कह रहा है जैसे ग्रिप वगैरह नहीं लगी, वरना भाई आज बना देते से मोर। 600 रुपए का लोअर पैड दे मेरा। रेड किंग को लगा सीरियस वाली फाइट होगी। तो गाइस अब रेड किंग को आगे लेके चलता हूँ, रनिंग लाता हूँ करवा के। और गाइस भगत जी को पूरा डरा दिया इसने, पिछवाड़ा पकड़ लिया होता। रेड किंग के तो भाई वैसे भी आदत है जहाँ से पकड़ लिया झटके मारे, भगत जी का बेचारे का पिछवाड़ा हिल जाता। शिवम तू बची है, तू बहुत लड़क रहा है मेरी गल पर मुड़गा। अरे देख ले, तो गाइस किसी दिन को हम दोनों झुट्टे मुट्टे फाइट करेंगे, फिर देखेंगे भाई किसको ऊपर एग्रेशन करे या फिर रेड किंग कंफ्यूज हो गए क्योंकि भाई रेड किंग हमारे दोनों का ही लगाव करा है, मेरा और गाइस शिवम का। और गाइस बिल्कुल रात होगी, रात के टाइम रनिंग करवा रहे हो, लंबे लंबे बड़ों वाला ऐसा लगा जैसे सामने से डाकू आ गया हो, बट भाई कोई दिक्कत नहीं है, रेड किंग जिंदाबाद, रेड किंग कुछ नहीं होने देने का। अब भाई मुझे इस पर भरोसा हो गया, वो तो भगत था जिस करके इसने छोड़ दिया, वरना भाई अगर कोई दुश्मन होता ना रियल का जान से ही मार देता, इतनी बुरी तरह झटके मारे खत्म। सामने से बार बार गिद्दड़ वगैरह राजा निकल गया, इसलिए भाई बिल्कुल टाइट पकड़ रखा, क्या पता किसी गिद्दड़ के साथ ही सीन बन जा। बट भाई गिद्दड़ों की दिक्कत नहीं है, गिद्दड़ सामने से अटैक नहीं करते, थोड़ी सी दिक्कत भाई जंगली डॉग्स की है, वे आकर बुरी तरह से चिपट जाए, मतलब पीछे लग जा। रेड किंग की रनिंग करवाते करवाते ये देखो भाई कितने खतरनाक रास्ते पे आगे, इस साइड भाई वो हो गया, क्या कह रहे से दानना, मतलब सस्ती नहर, समझ रहे हो। सबसे बड़ी दिक्कत पता किसकी हो रही, एक तो सामने से मच्छर लगन लग रहे, और गाइस कुछ मकड़ी के जाले लगन लग रहे, मकड़ियों ने बिल्कुल बीच रास्ते में जाले बना रखे, पता नहीं क्या बारे में दिख रहे होंगे या फिर नहीं, पर हमारा मुंह बिल्कुल जालों ने ढक दिया। रेड किंग देख ला क्या क्या करना पड़ रहा तेरी वजह से, बट भाई समय इसकी भी क्या गलती, मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा जा लिया था बस। भाई एक बार कैनल बनने की देर है, फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी दिन घुमाने भी ना लाऊं फिर भी काम चल जाएगा क्योंकि भाई सारे मैं को कुल्ला घुमा करेगा ना। अब भाई थोड़ा केज के अंदर बंद रहे, इसलिए भाई रेड किंग अचानक से भाई गड्ढा आ गया, वो तो शुक्र है भाई चोट नहीं लगी, चोट तो नहीं लगी, एकदम से दम देकर लगी। चल कोई नहीं, अब भाई से लेकर सीधे घर पे चलते हैं। तो गाइस आगे रेड किंग को लेकर घर पे, और गाइस यहाँ पे इन दोनों छोटे छोटे पप्पी इसके गुट बज रहे थे, मतलब वैसे तो मजाक में मस्ती वाले बज रहे थे। रोक्सी का जो एक पप्पी रह रहा ना, ये भाई पूरा रम भी है, छोटे पैकेट की पूरी रेल बनाता है। थोड़ी देर पहले बहुत कैडी फाइट हो रही थी इन दोनों की, और गाइस ये लेट रही हमारी कोको, कोको की बेचारी को सांस भी नहीं आ रहा, देखना भाई कैसे लेट रही क्योंकि भाई पेट ज्यादा भारी हो गया ना, बस कुछ दिनों की बात हो रहा है, शायद भाई पप्पी आने वाले जल्दी। सब लोग भाई दुआ करना की ठीक ठाक पप्पी हो जा। रोक्सी अपने पप्पी को लेकर बाहर घूम रही, एक भाई अकेला पप्पी रह गया ना, देखना भाई दोबारा से गुट बज गए, और गाइस छोटे पैकेट की रेल बना रखी, ओ भाई बिल्कुल ऊपर ही खड़ा हो गया इसके। साले का खोपड़ी तोड़। और गाइस एक चीज तो बताना मैं भूल ही गया, आज भाई मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाल ली, मतलब जिसमें रोक भी है, रेड किंग भी है, सिम्बा भी है, सारे के सारे है, एक भाई कंपटीशन चल रहा, मतलब वो वाली पोस्ट मुझे कोलैब करके डाल रखी, अगर भाई मेरी सबसे ज्यादा लाइक आ गई फिर भाई मैं विनर हो जाऊंगा, फिर भाई रोक को ट्रॉफी मिलेगी 15 अगस्त को। तो गाइस अपने भाई को विनर करवाओ, मैं लिंक भाई नीचे डाल दूंगा, और गाइस जल्दी जल्दी लाइक करवा दो। रोकू लाइक के लिए कहता है, नको लाइक कर दो, लाइक कहिए नको लाइक कर दो, ऐसा 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 कर, रात को जल्दी करिए, मैं ऐसा करता लुल्लू ऐसा, ये तो कर ही नहीं रहा, लाइक नहीं चाहती कहते जानू पता, लाइक नहीं चाहती, लो भाई लाइक चॉइस है, जल्दी से लाइक कर दो। और गाइस बाकी डॉग्स के नाम का कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलेगा, इसलिए भाई जल्दी से दबा कर लाइक कर दो, लिंक भाई आप लोगों को नीचे मिल जाओगे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का।